আপকি বার আপকি বার আপকি অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন তিপ্রামাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব মানিক্য মহোদয় মাননীয় गृह मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां में मंच में सो सब बैठे हैं मंत्री हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी विप्लव देव जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कुमार घाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं यहां में मैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं मैं तिपरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं हमारे एम हैं हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृहमंत्री जी से मिला था हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा गरीब रखा उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था इतिहास गवाह है कि दो महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था दो महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा आज से एक महीने पहले मैंने हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने हमारे मंत्री ने हमारे एमएलए ने हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुमार घाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं आज से पचहत्तर साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक अग्रीमेंट साइन किया था उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना पचहत्तर साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजीनियस लोग हमारे जनजाति हमारे ट्राइबल लोगों को हमारे हानी बुसा को हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है ये शांति से मिला है आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ ये वायलेंस से हुआ झगड़ के हुआ बंदूक से हुआ इस बार ना किसी का घर जला है ना किसी की मृत्यु हुई है ना कहीं में आतंकवाद हुआ है आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति इंडिजिनियस हानि बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं कमीने सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया हमारा इतिहास को बदला हमारे गरीब तिपरा साह को कुछ नहीं दिया आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता दिल्ली बैंगलोर हैदराबाद पूना जाना पड़ता है मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा मैं अपने तीपरा साह को बोलना चाहता हूं हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया रिटर्न में क्या मिला गरीबी बेरोजगारी भूख शिक्षा कहीं नहीं कहीं में पीने के लिए पानी के लिए हमें पांच पांच किलोमीटर चलना पड़ता था आज समय आया है आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को जिसने हमें वंचित रखा जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है किसने रखा है वो समझिए किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए अपने नेक्स्ट जेनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गृह मंत्री जी आपने हमें बहुत दिया है हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और दो शब्द बोलिए क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा सबको मिलेगा मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं उन्नीस तारीख वेस्ट त्रिपुरा में छब्बीस तारीख ईस्ट त्रिपुरा में यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं तीपरा सा दो आयुक्थोंग तीपरा सा जाति आयुक् लोकथोंग भारत माता की जय और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बलाई नो हम बाई थैंक यू